सीना रोज तो जस्ट पीस में आप चाट मसाला बस में ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जैसे कि मैं आपकी अपनी बहुत ब्यूटीफुल वीडियो एमएचसी उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम आपको बना के दिखाएंगे चिकन विंग्स फ्राई। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इसका हम बनाएंगे पाउडर मिक्स वो बेसन लगाने वाला, आधे से ज़्यादा प्याली बेसन डालना है, दो चम्मच मैदा डालना है, मैदा इस्तेमाल करना है, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करना है, इसमें हमने मिक्स मसाला इस्तेमाल करना है एक चम्मच। अब हमने इसमें डालना है आधा कप पानी का इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह बनाना है, पानी कम है तो फिर डाल सकते हो, थोड़ा थिक बनाना है नरम ना हो ज़्यादा। दो से तीन जरे हमने जर्दा कलर डालना है, इसका कलर बहुत ही अच्छा होगा। अच्छी तरह मिक्स कर लें, गुटलियाँ वगैरह ना अंदर हो। आज की हमारी बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है विंग्स फ्राई रेसिपी चिकन विंग्स। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, बेसन हमारा तैयार हो गया। अब हमने विंग्स चिकन फ्राई बनाना है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके अंदर हमने डालना है मिक्स मसाला डालना है, आधा चम्मच चाट मसाला डालना है, लहसुन अदरक उसका जूस और लीमू का मिक्स, लीमू के जले भी डालने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी। आधा चम्मच इसमें हल्दी का डालना है, मिक्स करें। हाथों की मदद से भी आप मिक्स कर सकते हो, चम्मच कांटा किसी चीज से भी अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हमने इसमें ये बेसन तैयार किया वो ऐड करना है, विंग चिकन फ्राई बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जबरदस्त बनने वाली, बहुत ही टेस्ट। पूरे विंग्स को अच्छी तरह लगाना है बेसन, आपको जैसे आसानी लगे आप कर सकते हो, हैंड से भी कर सकते हो चम्मच कांटे से। देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो गया मसाला विंग्स, सारे को मसाला लग गया। अब हमने 20 मिनट तक इसको छोड़ देना है ताकि जज़ब हो जाए। हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे रेसिपी तैयार की है, माशाल्लाह देखें। हमारा ये बेसन लग गया, हमने अब इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। अब हम उसके साथ चटनी इस्तेमाल करेंगे, चटनी बनाएंगे। आधा कप पानी, आमचूर पाउडर, नींबू का रस, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमने डालना है इसमें चाट मसाला डालना है, बस पे ज़रूर है चाट मसाला। हमारी चटनी तैयार हो गई है माशाल्लाह, कुछ टाइम के लिए हम इसको रख देंगे। चिकन फ्राई विंग्स हम बना रहे हैं, ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे विंग्स पीस और ऑयल ठंडा ना हो नीचे लग जाने हैं, जितना गर्म हो उतना अच्छा होगा।
चिकन विंग रोस्ट भी आप कह सकते हो और फ्राई भी कह सकते हो, चिकन विंग फ्राई। बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी। बारी बारी आप इसकी साइड चेंज करनी है, ज्यादा देर नहीं पकाना है इसको, 2 मिनट तक भी नहीं, 1 मिनट पकाएंगे हम, फिर इसको निकाल लेना है बाद में ठंडा करके, फिर दोबारा इसको तलना है अच्छी तरह, फिर क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बहुत स्वादिष्ट। अब हमने इसको ठंडे करना है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर होगा। इस कलर में आपने निकाल लेने हैं, इसको दोबारा फ्राई करना है। हमने इसको बहुत अच्छा सा फ्राई करना है और कच्चा भी नहीं रहेगा, जलेगा भी नहीं। मेरा चैनल देखने वाले व्हाट ब्यूटीफुल वीडियो ऑन मेसी, ऐसे हम इसको 1 मिनट तक पकाना है, चूल्हा फुल तेज रखना है। एक 2 मिनट में अब हम इसको भी निकालेंगे। इसको बिल्कुल कूल करके ठंडा करके हमें इसको दोबारा डाल देना है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही अमेजिंग बनेंगे। क्रिस्पी बनने वाली आज की रेसिपी। जैसे कि हमने एक बार इनको बना लिया है, कर लिया, अब दोबारा करना है, अच्छी तरह कूल ठंडे कर दिए हैं, घी कूल गर्म करना है, ठंडा ना हो, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। और विंग विंग फ्राई रेसिपी आप भी बना के जरूर ट्राई कीजिए, आज की बहुत ही शानदार रेसिपी है विंग फ्राई रेसिपी, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना इनका, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। स्पाइसी क्रिस्पी स्पाइसी बहुत ही जबरदस्त बने हैं। 2 से 4 मिनट तक दोबारा हमने पकाना है। चार मिनट तक फिर से हमने इसको पकाना है दोबारा। आज की हमारी बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जबरदस्त है, विंग्स रोस्टर बना रहे हैं रेसिपी।
अब हम बनाएंगे चेस्ट पीस फ्राई। उसको भी हमने ऐसे मसाला लगा के डाल दिया है। फुल घी गरम करना है अच्छी तरह। चेस्ट पीस रोस्ट बहुत ही जबरदस्त है। चार मिनट तक हम इसको पकाएंगे फुल आंच में, फुल तेज चूल्हा करके। विंग्स रोस्ट हमने कर लिया फ्राई, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर बना है, बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही जबरदस्त बना है। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। माशाल्लाह अब हमारा चेस्ट पीस भी रोस्ट हो गया है। कलर आप खुद देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर बना है, ब्राउन कलर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जरूर बताना कैसे बनी है। आप भी ट्राई करके देखें। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही स्पाइसी बनने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है हमारी रेसिपी। विंग रोस्ट और साथ में सीना चेस्ट रोस्ट, सीना रोस्ट चेस्ट पीस। मैं अब चाट मसाला